दोस्तों, अभी बिग बॉस के अंदर जो है प्रेम ज्योतिष आए थे और फिलहाल मुनव्वर से उनकी बात हुई तो मुनव्वर ने उनको भविष्यवाणी बताने से मना कर दिया। तो ऐसा क्यों किया मुनव्वर ने और मुनव्वर को उन्होंने क्या सजेशन दिया है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भाई बिग बॉस की अपडेट आपको बिल्कुल फ्रेश जो है मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई मुनव्वर जब उनके पास पहुंचे तो मुनव्वर ने उनको रिस्पेक्टफुल्ली जो बोला है कि भाई हमारा जो इस्लाम है ये हमको इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी को भी अपनी भविष्यवाणी बताने का मौका दे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बता दूं कि फिर भी जो है प्रेम ज्योतिष ने जो मुनव्वर को कहा है कि यू हैव इंटरनेशनल फेम और वो किसी को नहीं मिला है जो आपको मिलने वाला है। उसके बाद भाई मुनव्वर फारूकी का जो जवाब था वो रिस्पेक्टफुल्ली मुनव्वर सेठ के मुझे इजाज़त नहीं है भविष्यवाणी जानने की, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। मुनव्वर ने उनसे माफ़ी भी मांगी है कि मैं जो है अपनी भविष्यवाणी आपको नहीं बताने दूंगा या फिर आप मुझे ना बताएं, क्योंकि इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो है ये प्रेम ज्योतिष जो है बिग बॉस 13 के अंदर आए थे और फिलहाल जो है अभी जो है बिग बॉस 17 के अंदर वो आए हैं। उन्होंने वन बाय वन जो है सबकी एक तरीके से भविष्यवाणी बताई है, उनके फेम के बारे में बताया है, उनके बारे में क्या होने वाला है और कुछ उनको अच्छी बुरी बातें भी यहाँ पर बताई है। फिलहाल मुनव्वर फारूकी का जब नंबर आया था मुनव्वर फारूकी ने उनसे माफ़ी मांगी है कि भाई इसकी इजाज़त मुझे इस्लाम नहीं देता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है मेरी भविष्यवाणी बताए। फिलहाल मुनव्वर को उन्होंने सजेशन दिया था, बहुत ही प्यारा अच्छा लगा जवाब, बहुत फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है कि भाई उन्होंने मुनव्वर को कहा है कि भाई जो आपको जो इंटरनेशनल फेम जो है वो मिलने वाला है वो जो किसी को नहीं मिला है और वो आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है। और फिलहाल जो है उन्होंने बोला भी है क्या कुछ बड़ा जो है आपके पास आने वाला है, क्या भाई बिग बॉस 17 के विनर बन सकते हैं, क्या ट्रॉफी डोंगरी आ सकती है या नहीं आ सकती है, कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर देना भाई, क्योंकि ये जो सीज़न है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है।